हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और अमेजिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 2021 का थर्ड क्वार्टर शुरू होने वाला है और टाइम हो चुका है आईफोन के 13 लाइनअप का, और इसको लेकर बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ चुकी है। कुछ ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू है, कुछ लीक्स और रूमर्स है, तो सबका एक मिक्सचर तैयार करके बात करते हैं आईफोन 13 सीरीज में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो अगर आप आईफोन 13 के लिए एक्साइटेड है या फिर आईफोन 12 सीरीज का प्राइस गिरने का वेट कर रहे हैं तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना। तो बिना टाइम गवाए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 13 का ये जो नेक्स्ट लाइनअप होगा ये आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो सितंबर के सेकंड वीक मतलब अराउंड 14 सितंबर के आसपास एप्पल का एक बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट है और वहां पर एप्पल आईफोन 13 सीरीज को लॉन्च कर सकता है। अब ये आईफोन 13 के नाम से आएगा या किसी और नेम से, इसको लेकर मार्केट में कुछ रूमर्स चल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि इस बार आईफोन 13 के नाम से ना मिलकर शायद से आपको आईफोन 12s के नाम से देखने को मिले। अब इसके पीछे जो रीजन है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जिसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर नंबर 13 को अनलकी माना जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा चाइना के अंदर नंबर 4 को माना जाता है, और इसी वजह से नंबर 4 के साथ में बहुत सी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। जैसे OnePlus का एग्जांपल ले लो, OnePlus 3 के बाद में डायरेक्टली OnePlus 5 आया था, तो नंबर 4 को इन्होंने स्किप कर दिया था। तो ये तो चाइना की बात है, लेकिन आप तो जानते हैं कि एप्पल एक US बेस्ड कंपनी है, तो शायद एप्पल इस चीज को कंसिडर ना करे, क्योंकि देखो 12s सुनने के अंदर थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। पॉपुलर तो आईफोन 13 नेम ही है, तो हम भी यहाँ पर आईफोन 13 नेम ही यूज करेंगे, जहां पर बेसिकली हमेशा की तरह आपको चार मॉडल्स देखने को मिलेंगे, आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स। अब आईफोन 13 में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, तो गाइस देखो जो चेंजेस होंगे वो बिल्कुल माइनर से होंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो 120Hz का जो प्रोमोशन डिस्प्ले है वो आपको प्रो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। मतलब जो आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स होगा वहां पर डिस्प्ले में आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz का होगा। अब ये जो रिफ्रेश रेट होगा ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट होगा, मतलब आपके डिस्प्ले पर जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि जो डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट है वो 90Hz का रहना चाहिए, 120Hz का रहना चाहिए या फिर 60Hz का। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर LTPO टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिससे डिस्प्ले के अंदर आपको काफी बेटर कलर देखने को मिलेंगे और जो बैटरी कंजप्शन है वो भी कम देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, एंड्रॉइड फोन्स में ऑलरेडी आप इस टेक्नोलॉजी को देख चुके हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि एप्पल इस टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज करेगा। अब किस तरह से इंप्लीमेंट करता है ये चीज देखने लायक होगी। बाकी डिस्प्ले साइज चारों मॉडल के अंदर सेम होगा जो आपको आईफोन 12 सीरीज के अंदर देखने को मिला था। ये जो सारे डिस्प्ले होंगे ये OLED पैनल के साथ में आएंगे, साथ में जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो आपको सभी मॉडल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं नॉच की, जो कि आपको सभी आईफोन फोन्स में देखने को मिलता था, तो इस बार आपको जो नॉच है उसको रिमूव तो नहीं किया गया है, बट हाँ पहले के मुकाबले ये इस बार काफी श्रिंक देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। और ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कि 2022 में जो आईफोन में नॉच है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो होगा नहीं होगा ये तो जब आएगा तभी देखेंगे, क्योंकि ये रूमर्स काफी टाइम से चल रहा है। लेकिन अभी अगर बात करें कैमरास को लेकर, तो हाँ चेंजेस तो देखने को मिलेगा, बट इसके हार्डवेयर में नहीं बल्कि इसके कैमरा लेआउट में। जो नॉन प्रो मॉडल होंगे आईफोन 13 और 13 मिनी, कैमरा है वो डायगोनल शेप में देखने को मिलेगा, जिससे जो लेंस फ्लेयर का इशू आपको देखने को मिला था उसको फिक्स किया जा सके। इसके अलावा जो प्रो मॉडल होंगे वहां पर आपको जो कैमरा साइज होगा कंपैरेटिवली आईफोन 12 थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के अंदर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ताकि जो लो लाइट फोटोग्राफी है उसको थोड़ा और इंप्रूव किया जा सके। अगर बात करें 2x टेलीफोटो लेंस की, तो उसको 0.5x से बढ़ा दिया गया है, और जो सेंसर शिफ्ट OIS का फीचर आपको प्रो मैक्स मॉडल के अंदर देखने को मिलता था वो अब आपको प्रो मॉडल में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली प्रो मॉडल में तो यही चेंजेस है। अगर बात करें लाइडार सेंसर की, तो एज इट इज आपको प्रो और प्रो मैक्स दोनों मॉडल के अंदर देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आईफोन 13 में आपको जो फेस आईडी का फीचर है वो स्टिल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो टच आईडी फीचर है, जो कि हम आईफोन 12 सीरीज के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको स्टिल आईफोन 13 सीरीज में भी देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब उसको इन्होंने 2022 के लिए शिफ्ट कर दिया है। अब वहां पर भी मिलेगा नहीं मिलेगा अभी के लिए कोई भी श्योरिटी नहीं है, भाई आईफोन की इच्छा दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। इसके अलावा एक और चेंजेस जो आपको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा इनके कलर वेरिएंट में। बताया जा रहा है इस बार आईफोन 13 में आपको एक ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, जो ब्रॉन्ज टाइप कुछ कलर होगा, बाकी कलर आपको एज इट इज सेम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बैटरी की, जो आईफोन यूजर के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि इस बार जो आईफोन 13 सीरीज होगा वहां पर आपको लगभग 10% का जो बैटरी इंप्रूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स के साथ में देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए अगर बात करें आईफोन 12 प्रो की, जहां पर आपको लगभग 2800mAh के करीब बैटरी देखने को मिलती थी, वो 10% बढ़ाकर अराउंड 3905mAh के करीब देखने को मिलेगी। तो बैटरी इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली इस बार आईफोन 13 सीरीज के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें प्रोसेसर को लेकर, तो एप्पल आईफोन 13 के कंप्लीट लाइनअप के साथ में A15 बायोनिक चिपसेट का यूज करने वाला है, विच इज मैन्युफैक्चर बाय TSMC। 5nm चिपसेट है, 5G का सपोर्ट भी है, और इस बार बताया जा रहा है 5G के ऊपर कुछ ज्यादा ही एप्पल फोकस करने वाला है। कॉलकॉम के X65 मॉडल का यूज किया जाएगा, और जो 5G बैंड्स है वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आईफोन 13
2013 के अंदर जो 5G इंप्लीमेंट है वो काफी अच्छे से किया गया है, तो जो 5G कनेक्टिविटी है वो आपको काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। बाकी चिपसेट के परफॉर्मेंस को लेकर तो मुझे नहीं लगता बात करने की जरूरत है, वर्ल्ड क्लास चिपसेट है तो परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल का होगा। इसके अलावा अगर बात करें कुछ बाकी अदर फीचर्स की, तो स्टोरेज में इस बार आपको शायद से 1TB का जो वेरिएंट है वो भी देखने को मिल सकता है, ऐसे बहुत ज्यादा लीक्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो वाईफाई 6 एनहांस एडिशन है उसको भी आईफोन 13 सीरीज सपोर्ट करेगी, तो कनेक्टिविटी को लेकर तो एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। चार्जिंग के लिए लाइटनिंग पोर्ट ही होगा, ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि आईफोन 13 सीरीज में आपको इस बार टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है, बट एक्चुअल के अंदर वो नहीं होने वाला है, क्योंकि एप्पल का कहना है कि जो लाइटनिंग पोर्ट होता है वो वाटर कंडीशन में टाइप सी से थोड़ा बेटर है, तो स्टिल यहाँ पर जो लाइटनिंग पोर्ट है वही आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें प्राइसिंग की और लॉन्च डेट की, तो जो एप्पल आईफोन 13 सीरीज है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि सितंबर में इसका ऑफिशियल लॉन्च है, तो सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो आईफोन 12 सीरीज थी वहां पर इन्होंने 75 मिलियन यूनिट्स को प्रोड्यूस किया था, जिसको ये 20% से बढ़ाकर 90 मिलियंस तक लेके जाने वाले हैं, क्योंकि एप्पल को लगता है कि इस बार आईफोन 13 का बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है, तो ये तो जब आएगा तब की तब पता चलेगा। अगर बात करें प्राइसिंग को लेकर, तो गाइस बताया जा रहा है प्राइसिंग जो है लगभग सेम सी देखने को मिलेगी, मतलब आईफोन 12 सीरीज की जो प्राइसिंग थी उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि देखो माइनर से चेंजेस है तो जो प्राइस पॉइंट है वो आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम से प्राइस पॉइंट पर इस बार आपको आईफोन 13 सीरीज देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं आईफोन 13 के साथ में एप्पल क्या कुछ खास करता है, और ये लाइनअप आईफोन 13 के नाम से आएगा या फिर 12S के नाम से, ये तो ऑफिशियल होने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप आईफोन 13 सीरीज को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।